अच्छा तो ये वही जगह है। कौन सी जगह? हमें भेज देता जहाँ हमारी किताब का विमोचन होने वाला है। ड्राइवर चाचा गाड़ी रोको। ड्राइवर चाचा एक मिनट रुको तनिक बढ़िया। तुम यही रुको हम आते हैं। सभाग्रह है। ये सभाग्रह क्या होता है? जहाँ सभा होती है। और सभा का होती है? सभा का मतलब जलसा, फंक्शन, कार्यक्रम। और उमा का होता है? हम तुमको बताते। कल यहाँ बहुत से लोग जमा होंगे। यहाँ पर मेहमान बैठेंगे, यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स होंगे। हम अपनी कविता सुनाएंगे, सब फोटो खींचेंगे और तालियां बजाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर भैया जी हमारे किताब का रिबन खोलेंगे और उसके संबंध में कुछ शब्द बोलेंगे। हम चकोर को अपने साथ लखनऊ ले जाना चाहते हैं। जब आप लोग हमारे पुस्तक विमोचन में आएंगे तब वापस चकोर को लेकर चले जाना। घर चले। कानून के होते हुए कोई भी किसी भी इंसान को बंधुआ नहीं बना सकता। ये गैर कानूनी। हमारे देश में हजारों भैया जी जैसे हैं। हम उन सब तक नहीं पहुंच सकते, मगर एक भैया जी का अगर भांडा फूट जाए तो सारे के सारे बंधुआ मजदूरों में एक जागृति की लहर पैदा हो जाएगी। उन्हें एहसास होगा कि उनके हक के लिए कानून उनके साथ है। फिर शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश इस देश की इस गंदी परंपरा को खत्म करने में कामयाब हो जाए। सर हम तो समझ गए, मगर हमारा कानून सबूतों के आधार पर काम करता है। क्या आपके पास भैया जी के खिलाफ कोई सबूत है? जी है, चलता फिरता जिंदा सबूत है। वही छोटी सी मासूम बच्ची चकोर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपसे, वो भी आएगी हमारे साथ जलसे में और आप अपनी आंखों से उसकी कलाई पर गुलामी की मोहर देखेंगे। और जब आप भैया जी से उस निशान के बारे में सवाल करेंगे तो सारी की सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तोरी बिटिया को तो नहीं मारे, पर आप तोरे पतिदेव को जरूर मार बे। नहीं लखन भैया रुक जाओ। हम हाथ जोड़े थे लखन, हम विनती करत आपको बस इतना बताए थे कि हमरी चकोरिया ठीक है। अरे मैया मोरी, तोता मैना को कछु मालूम नहीं है? का मालूम नहीं है हमका? आखिर इस तरह परेशान मत करो, हम गरीबों को इस तरह परेशान मत करो। बताओ क्या बात है? अगर भैया हम हाथ जोड़े थे,
हमारी बिटिया कैसी है? हम उनका एक बार देख ले लखन भैया, उनका चेहरा एक बार आपका दिखाई दियो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे लखन भैया। हमारा विश्वास करो, दोबारा कभी नहीं आए। तुम हंस रहे हो तो हमको बहुत डर लग रहा है। हमारी चकोरे को कुछ हो तो नहीं गया लखन भैया? अब रोए का होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। तू वक्त तोरी ममता कहाँ गई थी जब अपनी बिटिया को कोक माही गिरवी रखी थी तू? अब चकोरिया हवेली की चीज है, हम उसको तोड़े मारे फेंके हमारी मर्जी, तो को का फर्क पड़ा? नहीं लखन भैया, ऐसा मत बोलो लखन भैया। चकोरिया के दादा जी हमका हमेशा बोल कि लखन लखन ऊपर से बहुत सख्त है पर अंदर से उतना ही नरम और बुरा इंसान नहीं है। तुम उन पर बहुत जुल्म किए पर एक बार तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोले। उसका मान रख लियो लखन भाई, उसका मान रख लियो। बताए दियो हमका अपनी चकोरिया कहाँ है लखन भैया? अपनी चकोरिया जिंदा है ना लखन भैया? जिंदा है, कछु नहीं हुआ उका। जय हो गंगा मैया, जय हो। कारे लखन जी, भैया जी इन्हें गए नहीं अभी तक, कहा है ठीक से भगा नहीं पा रहे हो का? तुरंत निकालिया, वही तो हम कबाई से कह रहे हैं। चलो निकलो यहां से, जाओ। माँ खराब कर रखा है बेटी के बारे में पूछ पूछ के। वो हमरी चल। चुप निकल। कार बनवा, ये बात पूछने का अधिकार ना सुनने को नहीं। चल निकल इस भाग, भाग हमरे आंखें सामने से निकल। लखन इन्होंने के मन में ना हमारा डर बैठा रहना चाहिए, कहे कि डर की खेती से हम बंधवा मजदूर की फसल पैदा करते हैं।